यज्ञ में जीवन जिए वह शक्ति हमको दे प्रभो लोक मंगल साधना की भक्ति हमको दे प्रभो। हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञ मैं कर दीजिए। हे प्रभो जीवन Yeah.
प्रभो जीवन हमारा यज्ञ मैं कर दीजिए। जगत में शंख सी गूंज विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में, शंख सी गूंज विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में, सुपुत्र दिव्य और भव्य जीवन जीते हुए MBBS MD गोल्ड मेडल के साथ पास करने के बाद और जब जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, हम शानदार जीवन जिएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंच गए यज्ञ में जीवन की प्रार्थना करते हुए, और गुरुदेव ने ऐसी चिंगारी जला दी यज्ञ की, अभी यज्ञ करेंगे, अग्नि जलाएंगे, दिव्यता की अग्नि, जीवन बदल गया। अमेरिका का नियुक्ति पत्र, उस समय की स्थिति आप जो पढ़े लिखे लोग समझ रहे होंगे, हाथ में था। गुरुदेव ने कहा बेटे यज्ञ में जीवन तो ऐसा होगा, कैसा? जैसा आप कहें गुरुदेव। गुरुदेव ने अपने हाथों से उनका नियुक्ति पत्र फाड़कर अपनी कचरे की टोकरी में डाल दी। बेटे तुम्हें सच्चा यज्ञ करना है, सच्चा जीवन जीना है, सार्थक जीवन जीना है। परम पूज गुरुदेव की उस कलम को, परम पूज गुरुदेव की जलाई उस ज्योति को सारे विश्व में फैला रहे हैं, सारे विश्व में नई पीढ़ी को, नवयुवकों को, युवा वर्ग को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कैसा हमारा जीवन होना चाहिए और कैसा यह संसार होना चाहिए, सारा सरंजाम आपके विचारों में, परम पूज गुरुदेव के विचारों के माध्यम से समाया हुआ है। हम सबको वह चिंगारी देंगे। आइए ऐसे दिव्य पुरुष का स्वागत पूजन हम करें। पहले हमारे महेंद्र मोहन पारिक जी, सबकी ओर से सबने एक एक फूल, एक एक पंखुड़ी जोड़कर एक माला बनाई, और हम सबके हाथ और उंगली बनकर पारिक जी आ रहे हैं। सबकी ओर से एक माला श्रद्धे डॉक्टर साहब के चरणों में समर्पित करके हम सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं। हम सब अपने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें, स्वागत की अभिव्यक्ति करें और तैयार हो जाएं। हमारा सबका जीवन यज्ञ में बनने जा रहा है। कैसा वो जीवन होगा हमारा,
स्वागत का क्रम समूह सामूहिक रूप से हम सबने पूरा कर दिया। सभी कमर सीधी करके बैठ लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सद्बुद्धि की प्रार्थना सबसे बड़ी अच्छी प्रार्थना, भगवान से और कुछ मांगे नहीं मांगे, पर सद्बुद्धि हमेशा मांगे। सद्बुद्धि आएगी तो पढ़ाई में भी अच्छे निकलेंगे, सद्बुद्धि आएगी तो बिजनेस में भी अच्छे निकलेंगे, सद्बुद्धि आएगी तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, सद्बुद्धि आएगी तो घर में हमेशा प्यार भरा वातावरण, स्वर्ग भरा वातावरण रहेगा। तो सद्बुद्धि की प्रार्थना, श्रेष्ठ बुद्धि, हम सब सही मार्ग पर चलें। हे भगवान, हमें नहीं मालूम कि कौन सा मार्ग सही है, आप हमें गाइड करिए उंगली पकड़ के। गायत्री माता गाइड करती है। अभी शुरू में मैं यज्ञ के बारे में बोलूँगा, फिर गायत्री माता की दीक्षा के बारे में बोलूँगा। तो यज्ञ जिन्होंने प्रमोट किया, ऐसे गायत्री के साधक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, योग विश्वामित्र, उनको नमन करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता। आज श्री माधोपुर में 108 कुंडी यज्ञ के संदर्भ में तीसरे दिन यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम में यज्ञ में पधारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, संयोग से स्कूल के बच्चे भी आ गए। बहुत सुंदर, स्कूल के बच्चों को भी बुला लिया तो उनकी एक क्लास आज यहाँ हो जाएगी कि हमें भगवान की तरफ चलने के लिए जीवन कैसा जीना चाहिए। सभी स्कूल के छात्र छात्राओं, खूब खूब प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे बच्चे जो होते हैं वो बीएससी, बीए, एमएससी, एमए, पीएचडी इसके होते हैं। तुम थोड़े छोटे हो, पर तुम्हारे लिए ये सारा जो मैं लेसन दूंगा, अभी पढ़ाई पढ़ाऊँगा तुमको, तुम्हारे काम के लिए, तुम्हें अच्छा आदमी बनाने के लिए। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हम महानता की ओर चल पड़ते हैं, ऐसे कभी कभी अवसर आते हैं जब हमें किसी का सहारा मिल जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो हमारी काम आती है वो भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी महानता है कि भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। कभी आपसे कोई कहे कि आपकी संस्कृति में ये है, आपकी संस्कृति में ये है, कुछ भी समझ में नहीं आता, वैज्ञानिक नहीं है, बेटा तुम मत मानना। तुम कहना नहीं, हमारी संस्कृति विज्ञान सम्मत है, हमारी संस्कृति में जो कुछ भी समझाया गया है वो सब के सब वैज्ञानिक है। इसके लिए तुमको पुस्तक चाहिए तो पुस्तक भी मिलेगी। आज हम एक उसका ज्ञान रथ का उद्घाटन भी करेंगे। घर घर में श्री माधोपुर में पुस्तकें दी गई हैं पढ़ने के लिए, आप भी पढ़िएगा। और आप अपनी कोर्स की किताबों के अलावा एक किताब ये भी पढ़िएगा जो हम बता रहे हैं। आप हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, और 3200 किताबें लिख करके उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जिसको ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक साम्राज्य, गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार, उसके आज आप सदस्य बनने जा रहे हैं। तो ये किस किस माध्यम से हो पाता है? भारतीय संस्कृति के दो आधार, गायत्री और यज्ञ। गायत्री को माता कहा गया है भारतीय संस्कृति की, और यज्ञ को पिता कहा गया है। यज्ञ पिता हैं, अर्थात यज्ञ हमारे संरक्षक हैं, यज्ञ हमारे भावक हैं, हमारे खान पान का ध्यान रखते हैं, पोषण का ध्यान रखते हैं। यज्ञ हमारे लिए अच्छा मौसम हो, हमारे लिए सब कुछ सब अच्छा अच्छा मिले, और हमारी जो फसल है वो अच्छी हो,
हमारे जीवन में किसी प्रकार का प्रदूषण ना आने पाए, इसका ध्यान रखते हैं। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे ज़्यादा अच्छा कर्म अगर कहीं है तो यज्ञ है, ऐसा कहा गया है। यज्ञ का मतलब वो वाला नहीं जो अभी होने वाला यज्ञ, स्वाहा वाला यज्ञ, जीवन यज्ञ जिसकी अभी बात कही। हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। यज्ञमय जीवन हो जाए तो आदमी का जीवन बदल जाता है, जाने कहाँ से कहाँ दिशा चली जाती है। एक रेल की पटरी चली और ऐसी चली और जाके जंक्शन पे इकट्ठी खड़ी हुई और एक आई और दूसरी तरफ चली गई, एक ईस्ट में चली गई, एक वेस्ट में चली गई, दिशा जस्ट अपोजिट हो जाती। ये एक प्रकार का ऐसा जंक्शन है। यज्ञ सही अर्थों में कहा जाए तो जीवन जीने की कला की प्रयोगशाला है। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन श्रेष्ठतम जीवन कैसे जिया जाए, और जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ गुणों का, सद्गुणों का अभ्यास जरूरी है। इसलिए यज्ञ के जितने भी कर्मकांड कराए जाते हैं उनके पीछे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यज्ञ करिए, पर यज्ञ करने के साथ साथ केवल यज्ञ के धुएं पर, यज्ञ की अग्नि पर इस पर ध्यान मत दीजिए, इसकी शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए। यज्ञ की अग्नि हमेशा ऊँचा उठती है, हम भी ऊँचा उठेंगे, हम भी पॉजिटिव सोचेंगे, हम भी विधेयात्मक सोचेंगे, हम कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हम कभी भी किसी हालत में अपनी गर्मी से किसी को वंचित नहीं करेंगे। जैसे यज्ञ की अग्नि गर्म होती है तो हमको भी गर्म कर देती है, ऐसे हम भी अपने गुणों की गर्मी से दूसरों को गर्म करेंगे। उष्णता, गुणों की उष्णता, गुणों की गर्मी, गुणों को हम सब में ट्रांसमिट करेंगे, सब में फैलाएंगे। यज्ञ हमारे जीवन में इस तरह से फलित हो कि उसकी सुगंध ही आने लगे। यज्ञ में हवन सामग्री डाली जाती है, जिस हवन सामग्री में 14-15 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, विशेष जड़ी बूटियाँ, 14-15 प्रकार की हिमालय की जड़ी बूटियाँ इस तरह से मिलकर के बनती है शांति कुंज में और गायत्री तपोवन मथुरा में। तो ये जो हवन सामग्री है इसके माध्यम से जो सुगंधी आती है वो सुगंधी आपको गुणों की सुगंधी फैलाने की आपको शिक्षा दे। हम अपने गुण दूसरों को भी फैलाएंगे। अभी क्या होता है, हम दुर्गुण फैलाते हैं, हम आलस्य फैलाते हैं, हम बुराई करना फैलाते हैं, हम दूसरों को गलत सोचना सिखाते हैं, ये नहीं। हम आदमी के जीवन में, पड़ोसी के जीवन में, अपने सहपाठी के जीवन में, अपने घर में, अपनी पत्नी के जीवन में हम अच्छे गुणों को फैलाने की बात सीखें। अच्छे गुणों को फैलाना, सुगंधी फैलाना, सुगंधी फैलाएंगे, उष्णता फैलाएंगे और हमेशा तेजस्वी बने रहेंगे, प्रकाशित। प्रकाशित जो स्वयं प्रकाशित होता है वो औरों को प्रकाश दे सकता है। हम प्रकाशित बने रहेंगे, हम ऊर्ध्वगामी बने रहेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले कहा पॉजिटिव। यज्ञ की अग्नि ऊपर जाती है, दीपक की अग्नि ऊपर जाती है, होली की अग्नि भी ऊपर जाती है, दीपक की अग्नि ऊपर जाती है, जो दीपक आप दिवाली भी जलाएंगे वो भी ऊपर जाती है, कोई अग्नि नीचे नहीं आती लौट करके। ऐसे हम भी जब चलेंगे तो ऊपर की ओर चलेंगे, हम नीचे नहीं चलेंगे। ये यज्ञ की अग्नि हमें सिखाती है। यज्ञ की अग्नि की शिक्षाएं बहुत विलक्षण हैं। यज्ञ अपने अंदर जिसको समा लेता है, यज्ञ में घी डालोगे तो घी समा जाएगा, यज्ञ में आप दूध डालोगे दूध समा जाएगा, यज्ञ में आप वनौषधियाँ डालोगे वो समा जाएगा। सबको अपने अंदर समा लेने की सामर्थ्य, सबको अपने साथ ले चलने की सामर्थ्य, ये जिसको शिक्षा मिल गई सबको साथ लेकर के चलना है वो कभी जीवन में गड़बड़ाएगा नहीं। उसको न जाने कितने लोगों का सहयोग मिलेगा, हर जगह उसको साथ देंगे लोग, हर जगह उसकी तारीफ करेंगे। यज्ञ का ये गुण है, यज्ञ में जो भी कुछ डाला जाता है वो वैसे समरस हो जाता है, उसी के जैसा हो जाता है, उसी के समान हो जाता है। समधर्मिता का गुण, समधर्मिता का, हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, हम अपने प्रभाव में उसको कर लेंगे, अपने गुणों के, अपने सद्गुणों के प्रभाव में हम सामने वाले को कर लेंगे। अगर ये गुण आ जाए हमारे अंदर तो मित्रों, आज जितनी नेगेटिविटी समाज में है, नकारात्मकता समाज में है, वो ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे यहाँ चौराहों पे, गली कूचों में, पान की दुकान पर, ठेलों पे, सब जगह तरह तरह की नेगेटिव चर्चाएं होती रहती हैं। अरे समाज में क्या होने वाला है, सब खराब हो गया, सब ये पॉलिटिक्स भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब, पार्टी भी खराब। अगर इन सब चीज़ों में भाग न लेकर के हम अच्छाइयों को फैलाने का प्रयास करें, तो हम लोगों को अच्छे गुण बताएं, तो अच्छे गुणों के बारे में समझाएं, तो मित्रों फिर वो उनका अभ्यास करते करते आदमी अच्छा हो जाता है।
गुणों का अभ्यास करना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासेन तु कुंते वैराग्यण च गृहते, गलत चीज से वैराग्य और अच्छी चीज से अब का अभ्यास। अभ्यास करो मतलब अपने से जोड़ो, वैराग्य मतलब उसको छोड़ो। ये यदि अगर हमारे जीवन में आ जाएगा तो वास्तव में सही अर्थों में यज्ञ जो है एक ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये जो हर जगह जो भगवान बैठा हुआ है वो यज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, यज्ञ के रूप में विराजमान है। यज्ञ भोजन यज्ञ भी यज्ञ है। ये जो जल बरस रहा है ऊपर जाता है और नीचे आता है वापस आता है बादल के रूप में, ये भी यज्ञ है। आप भोजन करते हैं, भोजन पाचन करता है, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म सब होता है बॉडी के अंदर, ये सारा का सारा ये भी यज्ञ है। शरीर को चलाना, शरीर को मेंटेन करना, ये भी यज्ञ है। नहीं, यज्ञ जो है बहुत वास्ट डेफिनेशन वाली चीज़ है, बहुत बड़ी डेफिनेशन, बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी। इस यज्ञ को समझने की कोशिश करना। यज्ञम उ देवानाम अन्न, यज्ञ देवताओं का अन्न है। हम लोग तो खाना खा लेते हैं, गाय भैंस जो हैं वो चारा खा लेते हैं, पर देवता क्या खाते होंगे? आप सोचिए, देवता आप सोचते होंगे मेवे खाते होंगे, मिठाई खाते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर में पुजारी जी हैं वो तो मिठाई चढ़वाते हैं वहाँ पे देवता के सामने। वो मिठाई वो नहीं खाते, वो पुजारी खा जाता है, उनको नहीं मिलता, भगवान के पास नहीं पहुँचता। भगवान के पास क्या पहुँचता है? भगवान के पास देव यज्ञ की आहुति पहुँचती है, यज्ञ का भोग, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये यज्ञ के तप से जो निकलती है ऊर्जा, वो ऊर्जा को हम भोग करते हैं, देवता देवता उनको उनको लेते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, जब यज्ञ ही आपके साथ हैं, यज्ञ देवता आपके साथ हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने द्रौपदी का नाम सुना है? द्रौपदी का नाम सुना है सब लोगों ने? महाभारत में द्रौपदी का जिक्र आया ना, और उसका जो भाई था धृष्टद्युम्न, वो भी आपने नाम सुना होगा, उसका भाई था। ये दोनों यज्ञ से पैदा हुए थे, और द्रौपदी को यज्ञ से नहीं कहा जाता, यज्ञ से नहीं, यज्ञ के माध्यम से आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, यज्ञ के माध्यम से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यज्ञ इतनी बड़ी चीज़ है मित्रों कि यज्ञ के बारे में प्रयोगशाला, विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला शांतिकुंज में बनाई गई है, हम लोगों ने वहाँ बनाई है। यज्ञ के धुएं के एनालिसिस करते हैं, यज्ञ से रोगों का निवारण करते हैं, कई प्रकार के रोग हैं जिनको कि हमने वहाँ पर चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया है। यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो जीवन यज्ञ है, इस जीवन यज्ञ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आएँ और बुराइयाँ निकलें, अच्छाइयाँ आएँ और बुराइयाँ निकलें। हम हमेशा प्रार्थना करें परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमको आप ऐसी तरह से जोड़े रखना, यज्ञ की अग्नि की तरह से हमें शिक्षा देते रहना। इसलिए यज्ञ जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है जिसके लिए, जिसके कई प्रकार हैं, यज्ञ के कई कई विधि विधान हैं, कई प्रकार की चीज़ें आती हैं इसमें, पर सबसे बड़ी चीज़ है यज्ञ का दर्शन, फिलॉसफी। यज्ञ का दर्शन यदि समझ में आ गया तो यज्ञ का दर्शन समझ में आने के बाद यज्ञ का विज्ञान समझ में आ जाएगा। यज्ञ का विज्ञान समझ में आ गया तो आप चाहे कर्मकांड किसी भी तरह से करें, अगर दो चीज़ समझ में आ गई तो आपको सब कुछ करना आ जाएगा। इसलिए जो 108 कुंडी यज्ञ हैं, 8 और 1 9, 9 ग्रह, 9 ग्रह कहते हैं ना, इसलिए 108 कुंडी यज्ञ करते हैं, या 1 और 8 9, संपूर्ण ग्रह, संपूर्ण ग्रह मंडल को, राशि मंडल को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए वातावरण में हम यज्ञ करते हैं। आज मौसम बड़ा गड़बड़ा रहा है, कभी धूप तेज होती है, जब महीन ठंडक का महीना आता है तो गर्मी पड़ने लगती है। अभी इस बार पूरा के पूरा जो भादों का मास था, सावन भादों दोनों पूरे के पूरे चैत्र मास की तरह से निकले, बहुत गर्म निकले। मैंने लेख लिखा है खंड ज्योति के लिए और उसमें ये लिखा है मैंने कि मौसम परिवर्तन जितनी तेज़ी से हो रहा है, इस तेज़ी से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों में कि हम जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए, अपने घर में यज्ञ करो, चाहे यज्ञ जहाँ हो रहा है वहाँ भागीदारी करो। यज्ञ से क्या होगा? जो ऊर्जा निकलेगी, यज्ञ से 3 चीज़ निकलती हैं, मंत्र,
शक्ति, ध्वनि की शक्ति, ऊर्जा, यज्ञ की ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा, और तीसरी निकलती है पवित्रता की शक्ति जो हमारे अंदर होती है। इन तीन के माध्यम से हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी अग्नि में किसी चीज़ को रख के पवित्र करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर करना होगा। डॉक्टर भी अगर मान लो कि कोई सामान नहीं है और एक सुई है सामने और एक फोड़ा है, तो यज्ञ उसको सुई को पहले गर्मी में आग में गर्म करेगा, उसके बाद सुई फोड़े में लगाएगा ताकि चीरा लगाते रहने के बाद सेप्सिस न हो जाए। इसी तरह से गरम गरम इंक्यूबेटर में रखकर, गरम गरम इंक्यूबेटर में रखकर सारे इंस्ट्रूमेंट गरम किए जाते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट जब तेज़ गर्मी से गुजारे जाते हैं उसके बाद फिर उनको ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो यज्ञ की अग्नि है उसमें संस्कारित करने के बाद जो चीज़ निकलती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है। यज्ञ में धातुएँ तपाई जाती हैं, यज्ञ की अग्नि में जो अग्नि है ये आप सामने देखते हैं, इसी तरह से लोहार अग्नि अग्नि में तपाता है लोहे को, और जब खूब गर्म हो जाता है तो फिर ठोकता है, ठीक हो जाता है। सोना सुनार गर्मी में तपाता है, सोने को मोड़ देता है, मोड़ करके जैसा चाहता है वैसा बना देता है। तपने के बाद मुड़ जाना संभव है, आदमी तपने को तैयार नहीं है, मुड़ेगा कैसे? आज आदमी तपने को तैयार नहीं है, अगर तपेगा नहीं तो मुड़ेगा कैसे? जीवन की दिशाधारा बदले कैसे? इस तपने से ही वर्ड बना है तप। यज्ञ क्या है? एक प्रकार का तप। यदि हम जीवन को सही अर्थों में यज्ञ में बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को बदलना सीखें, अपने जीवन की दिशाधारा को बदलें और यज्ञमय जीवन जीने की कोशिश करें। यज्ञ में संविधा यूज होती है, संविधा प्रयोग करते हैं। यज्ञ में हम हवन सामग्री यूज़ करते हैं, यज्ञ में हम कपूर यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें वो वातावरण को सुगंधित बनाती हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि वातावरण बहुत गर्म हो रहा है, वातावरण मौसम असंतुलन हो रहा है, मौसम बड़ा असंतुलित हो रहा है, तो इस असंतुलित मौसम का उपचार एकमात्र है इंजेक्शन। किसमें? वातावरण में इंजेक्शन। और वातावरण में इंजेक्शन लगाने का काम यज्ञ करते हैं। हमारे यहाँ सतयुग में केवल एक ही लड़ाई थी बस, वो देवों और असुरों की, और उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया अमृत मंथन करके, हल निकाल लिए। बाकी तो फिर द्वापर में, त्रेता में, इनमें अलग अलग ढंग की लड़ाइयाँ हुई हैं, पर जो सतयुग में हर घर में यज्ञ होता था, हर घर में यज्ञ होता था, इसलिए सतयुग में वातावरण बड़ा सतयुगी था। ये जो कलयुग का सतयुग आया है, अब कलयुग का 1000 साल तक रहने वाला सतयुग, इस सतयुग में फिर से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, हमारे पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी, इन दोनों ने तप करके, बड़ा कठोर तप किया, तप करके, तप करने से क्या होता है, मलाई ऊपर आ जाती है, दूध की मलाई ऊपर आ जाती है तप करने से, और उस मलाई को अगर अलग निकाल लें उस मलाई से हम घी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तप करने से सही अर्थों में हमारे अंदर के जितनी भी सोई हुई शक्तियां हैं वो सब जाग जाती हैं। जितनी प्रकार की हमारी भगवान की दी हुई विशेषताएं हैं वो उभर के ऊपर आ जाती हैं। जैसे मलाई ऊपर आ जाती है ऐसे विशेषताएं आ रही ऊपर आ जाती हैं, और जब ऊपर आती हैं तो फिर उसके बाद हमारे चेहरे पर ब्रह्म वर्चस्व के रूप में तप, ब्रह्म बल के रूप में, तपोबल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बिना तप के नहीं, तप तपना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। आदर्शों के लिए कष्ट सहना तप है, आदर्शों के लिए कष्ट सहना तप है, देव डेफिनेशन वाइज। बस सत्साहस के लिए, सत्साहस करने के माध्यम से और अपने जीवन को कष्टमय बना करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, फल निकलता है, परीक्षा फल निकलता है। जिसने खूब मेहनत की थी, मनोयोग के द्वारा मेहनत की थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं पढ़ाई करता था, मेरी माँ सुबह मुझे लेके बैठ जाती थी 5 बजे, मैं 5वीं में पढ़ता था, 4थी 5वीं में, मेरी माँ सामने लेके बैठ जाती थी और सामने लेके बैठ करके मुझे निरंतर ये कहती थी कि तुम 1-1.5 घंटे के अंदर ही अपनी पढ़ाई कर लो, बस
उसके बाद तुमको खेलने की छूट है। मैं दिन भर खेलता रहता था, एक डेढ़ घंटे सवेरे सवेरे जो मैं पढ़ता था वो मुझे याद रह जाता था और मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। सब लोग सोचते थे ये तो हमेशा खेलते रहते हैं, वो खेलता ही रहता है तो हमेशा फिर कैसे फर्स्ट आ जाता है। मैंने पहली से लेकर के और MBBS करके MD करने तक इसी तरह का पैटर्न रखा है, इसी तरह का तरीका रखा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग अभी सब जो बच्चों के लिए एड्रेस कर रहा हूँ मैं, बच्चे तुम सब यंग हो अभी, तुम लोगों को भी एक काम करना पड़ेगा कि अपने आप को तपाना पड़ेगा। खेलकूद मस्ती सबके दिन दिन है, पर पढ़ाई एक तप है, पढ़ाई करना भी एक तप है, पढ़ाई करके अपने आप को रवा कर लेना भी तप है, और वो तप यदि कर लोगे तब करके जीवन तुम्हारा निखर जाएगा। ये जो यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं सब यज्ञ करने के लिए, तुम भी यज्ञ में भागीदार बनोगे। जीवन में एक क्षण ये हमेशा याद रहेगा कि हमने भी यज्ञ किया था, हमने भी यज्ञ में भागीदारी की थी। ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ बताए गए। कई प्रकार के यज्ञों की तो परिभाषा ऐसी है कि बस तीसरा चौथा अध्याय पूरा यज्ञ से भरा हुआ है गीता का। बच्चों तुम कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, पर कोई अच्छी धर्म की किताब पढ़ना चाहते हो, धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहते हो तो गीता पढ़ो। गीता को संस्कृत में विभाजित करके उसकी संधि विग्रह करके उसके अर्थ को समझने की कोशिश करो, तुम देखना तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन की दिशाधारा बदल जाएगी, तुम हीरो बन जाओगे। अगर तुमको आदर्श जीवन में विकसित करना है तो तुम ये गीता के माध्यम से सारे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, सारे सॉल्यूशन। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी होंगे, आप सब के लिए भी कह रहा हूँ कि आप सब जो कुछ पढ़े कोई दिक्कत नहीं, तो गीता के एक दो श्लोक रोज पढ़ लो, रिपीट करो, रिवाइज करो और उनको जीवन में उतारने की कोशिश करो। पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, लोग हमारे क्या कहते हैं पाठ करते हैं, पाठ का मतलब रटना, पाठ से काम नहीं चलेगा। पाठ करते करते तो हजारों लाखों पुरोहित हमारे देश में गरीबी को ही प्राप्त हुए और गरीबी से ही में ही मर गए, और न जाने कितने तो मुसलमानों के हाथों में मारे गए जब हमारे यहाँ हमारे देश में आक्रमण हुआ। तो उस समय लड़ना चाहिए था, लड़ने के लिए बाहर निकल के तलवार लेके आना चाहिए था। उस समय वो सारे पुरोहित जो है पाठ पढ़ने लगे शिवालय के सामने बैठकर कि भगवान शिव कहीं शायद निकल के आ जाए अंदर से, शिव अंदर से निकल के नहीं आए। पाठ करने वाले जो ब्राह्मण थे वो सब मारे गए पूरे पूरे। उसके बाद वहाँ के राजा ने क्षत्रियों की व्यवस्था की, जो क्षत्रिय वहाँ रक्षा कर सके मंदिरों की। मित्रों दक्षिण भारत की सोमनाथ के मंदिर तक जहाँ समुद्र का किनारा है, उत्तर भारत की हिमालय से चल करके आने वाला एक गजनी वहाँ कैसे पहुँच सकता है? हमारे देश में आपसी फूट की वजह से, इसी वजह से, और हमारे लोगों के अज्ञान की वजह से। तो ज्ञान जो है उसको और अज्ञान को दोनों के मतलब को अंतर को समझना जरूरी है। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कर्मकांड का मतलब नहीं मालूम, कर्मकांड क्यों करते हैं ये भी नहीं मालूम, कर्मकांड करते चले जा रहे हैं और बिना किसी काम के इन चीज़ों को जीवन में उतारे जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि यज्ञ करो, यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या मिलेगा आपको? यज्ञ से मिलेंगे आपको कई प्रकार के लाभ। यज्ञ से मिलेगी स्वस्थ प्राणवायु, स्वच्छ प्राणवायु, और स्वच्छ प्राणवायु से आपके लंग्स शुद्ध होंगे, आपकी इम्यूनिटी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, और यज्ञ नियमित रूप से करने वाला व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से कभी बीमार नहीं होता, कभी कभी किसी प्रकार के रोग नहीं आते। अभी एक बुखार फैला हुआ है, कोई बोलेगा जोर से क्या नाम है उस बुखार का? डेंगू फैला हुआ ना, डेंगू का उपचार एकमात्र यज्ञ है और कुछ नहीं। अगर डेंगू ठीक करना है तो घर घर में यज्ञ होना चाहिए, घर घर में यज्ञ होना चाहिए। गायत्री यज्ञ करिए और आप देखिए कि डेंगू नाम की चीज़ आएगी नहीं। सफाई करना भी सीख जाओगे और यज्ञ करना भी सीख जाओगे। ये यज्ञ मैंने जैसा बताया कि एक वर्कशॉप है, एक कार्यशाला है, एक सही अर्थों में कहा जाए कार्यशाला है। और यदि यज्ञ के रूप में यदि कार्यशाला सीख ली आपने, क्लासिक कार्यशाला, तो जीवन बदलता चला जाएगा, महान होता चला जाएगा। आज हम जब यहाँ इस 108 कुंडी यज्ञ में बैठे हैं तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करें गुरुदेव माता जी से कि हमें यज्ञ का उपदेश दें, यज्ञ का ज्ञान दें, और यज्ञ के जो जितने परिणाम मिल सकते हैं वो सारे परिणाम हमारे जीवन में उतरें। यज्ञ के क्या परिणाम हो सकते हैं? यज्ञ न करने वाले से क्या नुकसान होता है?
यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, यज्ञ के अलावा किए गए सारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। यज्ञ का मतलब होता है देना, परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म, देते रहिए देते रहिए देते रहिए। भगवान ने आपको दिया है, आप भी भगवान को दे दीजिए वापस। पर्यावरण ने दिया है, पर्यावरण को लौटा दीजिए। आपकी माँ ने यज्ञ किया तब आप पैदा हुए, आपकी माँ यज्ञ करती 9 महीने तक तब जाके बच्चा पैदा होता है, और वो यज्ञ करते समय पूरा तप करती है, 9 महीने तक बच्चे को पालती है अपने पेट में, इसलिए उस यज्ञ का महत्व है। इसलिए आप लोग भी जितने भी हैं वो देना चालू करिए। यज्ञ का मतलब है देना, दान देना, पैसा नहीं। पैसा बाद में आता है, सबसे लास्ट में। आपके पास जो विभूतियाँ हैं, समय हैं, भगवान के काम के लिए, इस समाज को अच्छा बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, और जितने भी हम जो अच्छे काम कर सकते हैं उन कामों को करने के लिए समय निकालना, ये समय दान। और अच्छे कामों को करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, अहिंसा है, ये दोनों दोनों चीज़ें हम करें। ये करते रहने से आपके जीवन में निश्चित रूप से मान करके चलिए कि यज्ञ की ऊर्जा आपको आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। ये एक यज्ञ की परिभाषा कह लीजिए, जो यज्ञ यज धातु से यज्ञ बना, यज धातु से यज्ञ। यज्ञ का मतलब हुआ दान, देव पूजन, संगतिकरण। दान यानी देना, परम भगवान की इस सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए देना, अपने परिश्रम देना, अपना पसीना बहाना, अपना जो कुछ भी आपके पास है वो देने की कोशिश करिए। देव पूजन का क्या मतलब होता है? देव पूजन का मतलब होता है देवता आपके अंदर बैठे हैं और कहीं नहीं हैं। आप ये मत सोचना कहीं और होंगे देवता। देवता मंदिर में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आकाश में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर देवता हमारे अंदर बैठे हैं। बृहस्पति बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ सरस्वती बैठी हैं, वाणी है, संगीत की देवी हमारे अंदर बैठी है, हमारे अंदर सारे देवी देवता बैठे हैं। इन देवी देवताओं को नर्चर करना, पोषण करना, इसको कहते हैं व्यक्तित्व का सही अर्थों में विकास, व्यक्तित्व का परिष्कार, ये देव पूजन कहलाता है। देव पूजन यानी साक्षात प्रत्यक्ष देवी देवताओं का पूजन जो हमारे अंदर है, इनका पूजन, अपने अंदर की देवी शक्तियों का पूजन करो तो क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया बनेगी, व्यक्तित्व बहुत बढ़िया बनेगा, बोलने में प्रवीण, हर काम में प्रवीण, लोग आपको तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे हर चीज़ में। तो ये जो व्यक्तित्व की सारी श्रेष्ठताएँ गुण जितने भी आपके अंदर आएंगे, ये व्यक्तित्व के गुण जो आएंगे देव पूजन से आएंगे। देव पूजन मन लगा के अपने अंदर जितनी भी अच्छी 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 देव वृत्तियाँ हैं विकसित हों। और तीसरा है संगतिकरण, सहगमन, साथ चलना, साथ चलना। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जूराण मेनु भूयिष्ठाम तेन मुक्तिम विदेम। हे परमात्मा, हमको अग्नि की तरह से साथ पाथ सतपथ पर चलना सिखाइए, हमें अग्नि से प्रेरणा दीजिए कि हम साथ पथ सतपथ पर साथ साथ चल सकें। मित्रों, ये यज्ञ की परिभाषा है, और ये यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे से घरों में जाकर एक एक कुंडी यज्ञ से चालू किया 1940-41 में, और वहाँ से लेकर 1980 में 1990 में उन्होंने अपने शरीर जब छोड़ा तब तक ये मिशन विश्वव्यापी हो चुका था। और उसके बाद फैलता चला गया, फैलता चला गया। अश्वमेध यज्ञ हुए, महायज्ञ हुए, बड़े बड़े यज्ञ हुए। आपके नज़दीक जयपुर में अश्वमेध यज्ञ हुआ, श्री माधोपुर में 108 कुंडी यज्ञ हुआ है 94 में, और इसके अलावा आज इस बार भी यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ के माध्यम से जो ऊर्जा होगी पूरे आकाश में जाएगी, अंतरिक्ष में जाएगी, आपके अंदर जाएगी, कण कण में जाएगी, रोम रोम में जाएगी, और आपके अंदर अच्छाइयों का संचार करेगी। इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। हर व्यक्ति को ब्राह्मणत्व अर्जित करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। ब्राह्मणत्व किसको कहते हैं? जाति का ब्राह्मण नहीं। आज लोगों ने जाति के नाम पे ब्राह्मण कर दिया। जो ब्रह्म कर्म में निरत हो वो ब्राह्मण, जो श्रेष्ठताओं में के साथ चलता हो ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि कौन है ब्राह्मण, कौन है? तो ब्राह्मण वो है जो नियमित रूप से यज्ञ करता है, नियमित रूप से यज्ञ करता है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ मित्रों, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जीवन को महान बना देंगी, ऊँचा उठा देंगे।
और ऊंचा उठाने के साथ साथ आपको देवता बनाने, मनुष्य से मानव से महामानव बनने की अगर रीति नीति है तो वह भारतीय संस्कृति में है, अध्यात्म में है। दूसरा है गायत्री मंत्र। मैंने कहा ना कि दो चीज़ें हैं, एक माँ है एक पिता। पिता अगर हमारा यज्ञ पिता है, यज्ञ पिता को हमने जीवन में उतार लिया, यज्ञ पिता के माध्यम से हम जीवन में महान बनते चले जाएंगे। और गायत्री माता, गायत्री माता कैसी हैं? प्राणों की रक्षा करने वाली देवी हैं, प्राणों की रक्षा करती हैं, प्राणों को ऊंचा उठाती हैं, प्राणों का ऊर्ध्वगमन करती हैं। ऊर्ध्वगमन ऊंचा चलना। अगर ये गायत्री नहीं है, गय यानी प्राण, त्रय यानी त्राण, प्राणों की रक्षा नहीं होगी, आज आदमी जल्दी मर जाता है, जल्दी मौत हो जाती है, जल्दी हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो ये इसलिए कि प्राण शक्ति कम हो गई है, जीवनी शक्ति कम हो गई है। जीवनी शक्ति कम होने से हम जल्दी प्राण खो रहे हैं। गायत्री जो गंगा यमुना इन के बाद सरस्वती जो अदृश्य है, उनकी तीनों की त्रिवेणी है, उन तीनों को जीवन में उतारने की बात सिखाती है। और एक सिखाती है गायत्री मंत्र की प्रेरणा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। मैं उस सविता देवता को वरण करता हूँ, जो वरेण्य है उनको वरण करते हैं। हर किसी को वरण नहीं करते। आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे तो हर कोई हर कहीं से ढूंढ लाएंगे, कहीं से भी ले आएंगे, रास्ते में चलते हुए सब्जी वाले को पकड़ के ले आएंगे कि इससे शादी कर देते हैं। नहीं, आप सोच समझ के, वंश के बारे में पता लगा के, जाति के बारे में पता लगा के, उनके गुणों के बारे में पता लगा के, पढ़ाई करता है कि नहीं, कमाता है कि नहीं, हमारे लड़के हमारी लड़की को खिला पाएगा कि नहीं, तब लड़का लाते हैं। वरण करने योग्य वरेण्य ये जो देवता है ना, सूर्य देवता, ये गायत्री मंत्र के देवता है। गायत्री माता, गायत्री महाशक्ति इनके साथ चलती हैं। तो इस गायत्री महाशक्ति के देवता जो सूर्य हैं, उनको हम जीवन में धारण करें। सूर्य की क्या क्वालिटी है? आगे आगे चलना, अग्रगामी, नेतृत्व नेतृत्व नेतृत्व, प्रखर होकर चलना, इंटेंसिटी, खूब तीव्रता के साथ चलना, कभी सोना नहीं। सूर्य एक दिन सो जाएगा तो सारी दुनिया सो जाएगी, सब मर जाएंगे। सूर्य कभी सोता नहीं, सूर्य हमेशा चलता रहता है। सूर्य हमारे देवता है, आदिदेव। आदिदेव नमस्तुभ्यम, हम उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के साथ साथ भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सब तरह की बातें जो कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं। ये सब आपके जीवन में उतरनी चाहिए। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम, उस वरण करने योग्य देवता को, सविता देवता को, हम सविता देवता को अपने जीवन में धारण करते हैं। सविता पोषण करने के कारण, सविता हमारा पोषण करते हैं। ये सूर्य भगवान से सब कुछ आता है, क्लोरोफिल भी वहीं से आता है, फोटोसिंथेसिस के लिए सब चीज़ वहीं से आती है, हरियाली भी वहीं से आती है, सूर्य से ही आती है पूरी पूरी। जितनी भी हरियाली दिख रही है, जितनी फसल में प्राण दिख रहा है, ये सब सूर्य भगवान की वजह से। सूर्य भगवान जब नाराज हो जाते हैं, सूर्य की लपटें निकलने लगती हैं, सूर्य पे जब कलंक आ जाते हैं, तब सब गड़बड़ी हो जाती है। तो सूर्य को अपने जीवन में धारण करना। दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग उनका पापनाशक तेज हम जीवन में देवत्व को वरण करने के लिए धारण करें। पहला है आध्यात्मिकता, दूसरा है हमारे जीवन में आस्तिकता, और तीसरा है धियो योनो प्रचोदया, धार्मिकता, हम हमेशा सही मार्ग पर चलें, सहगमन हमारा साथ साथ हो, हम अलग अलग न चलें, एक साथ चलें। जब साथ साथ चलते हैं तो फिर सुरक्षा रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब अकेले चलते हैं तो डर लगता है, इसलिए साथ साथ चलना जरूरी है। अभी बच्चे अभी आ रहे थे उधर से, सामने से, तो दो दो बच्चों की लाइन चली आ रही थी, पूरी पूरी इकट्ठी, पूरी स्कूल से निकली होगी, सीधी चली आ रही पूरी पूरी, अभी भी आ रही, कई कई बच्चे पीछे आगे बैठते जा रहे हैं। क्यों भाई साथ साथ क्यों आए तुम लोग, साथ साथ क्यों आए? सुरक्षा है, साथ साथ चलने में एक अच्छा डिसिप्लिन दिखाई पड़ता है, अनुशासन दिखाई पड़ता है। हम लोग अच्छे आदमी साथ साथ नहीं चलते इस दुनिया में, बुरे आदमी साथ साथ चलते हैं, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, जितने भी बदमाशी करने वाले, चोरी करने वाले, रात को इकट्ठे बैठेंगे, खूब प्रेम से शराब पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, उसके बाद फिर कहीं चोरी डालेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, फिर छूट के आएंगे, फिर वही काम करेंगे। ये साथ साथ हो जाते हैं क्योंकि इनका स्वार्थ सज जाता है। और अच्छे आदमी अलग अलग होते हैं,
मेरे को मेरा उससे कोई मतलब नहीं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। अच्छे आदमियों को साथ साथ करने की कला सिखाता है गायत्री मंत्र। यदि हम साथ साथ चलेंगे तो क्या होगा, धर्म हमारा जीवंत रहेगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, धार्मिकता बढ़ेगी, कर्तव्यपरायणता बढ़ेगी, हम अपनी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री तीर्थ एक ही काम कर रहा है, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबको इसका आमंत्रण है कि आप गायत्री और यज्ञ के माध्यम से जीवन को महान बनाने की कोशिश करें। और पढ़िए इसके बारे में, गुरुदेव का साहित्य पढ़िए, 3200 किताबें लिखी उन्होंने और हर पक्ष के ऊपर लिखी है। यज्ञ की प्रेरणा तो यज्ञ के ऊपर 24 किताबें लिख दी उन्होंने, छोटी छोटी सी, और उसके बाद गायत्री की प्रेरणा तो गायत्री की 24 किताबें लिख डाली। आप इनमें से एक किताब भी जीवन में उतर गई तो आनंद आ जाएगा आपके। कोशिश करिएगा, पढ़िएगा तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। ऐसे सदगुरु के साथ जुड़ना, जिन्होंने इतना सब कुछ किया, ऐसे सदगुरु के साथ जुड़ना, आज दीक्षा का क्रम चल रहा है। आज हम दीक्षा देंगे और ये जो बच्चे बैठे हैं इनसे हम पूछेंगे हाथ उठा करके, तुम दीक्षा लेना चाहोगे क्या बेटा? तुम दीक्षा लेना चाहोगे तो हाथ ऊँचा करो सबके सब। दीक्षा लेना मतलब गायत्री मंत्र रोज करना है ना, हाथ उठा के बताओ तुम दीक्षा लेना चाहोगे? पहले दीक्षा के नियम सुन लो, उसके बाद दीक्षा के बारे में बताना कि दीक्षा कर लेना चाहोगे कि नहीं। दीक्षा के नियम हैं कुछ। दीक्षा का मतलब होता है तुम जो पढ़ रहे हो अभी वो शिक्षा है, तुम जो पढ़ रहे हो ना वो शिक्षा है, उस शिक्षा के माध्यम से तुम पाँचवीं पढ़ लोगे, छठी पढ़ लोगे, सातवीं पढ़ लोगे, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, कॉलेज चले जाओगे, जज बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, ये शिक्षा है। शिक्षा है जो आदमी में संस्कार भर दे वो दीक्षा, जो आदमी को संस्कार युक्त कर दे वो दीक्षा, जो आदमी को एक सहारा दे दे वो दीक्षा, जो आदमी को ये सहारा दे दे कि कभी भी दिक्कत हो न हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाने की राह है। इसमें कुछ नहीं बदलना पड़ता, ड्रेस वही होगी, सब कुछ वैसे रहना है, बस सोच बदलनी है। दीक्षा यानी सोच बदल देनी है अपनी, अपनी सोच बदल करके हम कैसे महान बन सकते हैं, कैसे महान बन सकते हैं, हमारे जीवन में क्या अच्छाइयाँ आ सकती हैं, किस तरह से आ सकती हैं, ये दीक्षा तुमको आज दी जाएगी, गायत्री मंत्र की दीक्षा। गायत्री मंत्र जीवन में उतरे और गायत्री मंत्र जीवन में उतरने के बाद गायत्री और यज्ञ के सहारा हम आगे बढ़ें, यह आप सोच करके दीक्षा लीजिए। दीक्षा जिनने ली वो महान बन गए। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पास गए, उन्होंने स्पर्श किया तो एक लड़का जो नास्तिक टाइप का था वो बिल्कुल आस्तिक बन गया और विवेकानंद बन गया। स्वामी दयानंद सरस्वती वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, राजकोट के पास गुजरात में, और वहाँ उन्होंने देखा कि चूहे घूम रहे हैं मूर्ति के ऊपर, शंकर जी की मूर्ति के ऊपर। और पिताजी से पूछा, पिताजी ये भगवान कैसे हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो भगवान कैसे हैं? भगवान के ऊपर चूहे घूम रहे हो, भगवान आराम से घूमने दे रहे हैं, ये कैसे हैं? बोले बेटा चुपचाप बैठे रहो, सुनो पंडित जी क्या कह रहे हैं। पंडित जी की बात तब सुने ना जब समझ में आए, उनको तो चूहे दिखाई दे रहे थे चारों तरफ। उन्होंने कहा ऐसा भगवान किस काम का, जिस भगवान को अपनी रक्षा नहीं करने आती। उसने कहा मेरे को पता लगाना पड़ेगा मैं कौन हूँ और मुझे मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो वो 10-11 साल का बच्चा भागा उसमें से, घर में से, और तेज़ी से भागता हुआ दौड़ता हुआ चला गया। ना जाने कितने लोगों के पास गया, पूछा मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे बताओ। उसको जवाब मिला वृंदावन में, वृंदावन में बिरजानंद जी ने जवाब दिया कि तू तेरा जवाब मेरे पास है, मैं तुझे सिखाऊंगा। उन्होंने पूरा पढ़ाया, पढ़ा करके मूल शंकर नाम के बच्चे को महर्षि दयानंद सरस्वती बना दिया। उन दयानंद जी ने पूरे की पूरी ये जो आज आर्य समाज की स्थापना हुई है, इसी आर्य समाज ने भारत को डूबने से बचाया, भारतीय संस्कृति को ऊँचा उठाया, वो वाली स्थापना जो उन्होंने की है उन्हीं के माध्यम से हुई है। मित्रों शिष्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर शिष्यत्व धारण कर लिया तो आप ये मान करके चलिए कि शिष्य बनने के बाद, अभी हो आप लोग शिष्य हो अपने टीचर के, शिक्षक के, पर वो शिक्षा के हैं। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचा उठने के लिए आप सबसे मैं कह रहा हूँ कि आपने हो सकता है दीक्षा पहले भी ली हो किसी ने गायत्री मंत्र की, अगर ली हो तो आज प्रायश्चित दीक्षा ले लीजिए कि हमने नियमों का पालन नहीं किया,
नियमों का पालन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो करने का आसे सोचे। क्या नियम है? पहला नियम है अपनी बुराई छोड़ना, अपनी एक बुराई छोड़ना। क्या बुराई छोड़ें? हम किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, अनावश्यक निंदा नहीं करेंगे। बस ये एक नियम है, एकमात्र नियम, किसी की बुराई नहीं करेंगे। ये सब आप कैसे कह रहे हो बुराई नहीं करेंगे, बुराई करने में तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, जब इसकी बुराई उससे करते हैं, उसकी बुराई उससे करते हैं, जब जो आनंद आता है ना, उस आनंद से तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी डिग्रेड होती है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्षरित होता है, व्यक्तित्व में खामियाँ आ जाती हैं, तुम महान नहीं बन सकते फिर तुम। इसलिए तुम कोशिश करो कि किसी तरह से तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ आएँ, उसके लिए कोशिश करो कि तुम अपने आप को बदलोगे, अपने अंदर अच्छाइयाँ, अपनी देव दक्षिणा के माध्यम से इन बुराइयों को छोड़ने का व्रत लोगे। जब बुराइयाँ छूट जाएंगी तो आप देखना सब अच्छे बनते चले जाओगे। बुराइयों को छोड़ना देव दक्षिणा कहलाता है। तो पहली जो है बुराई अपने व्यक्तित्व की, एक दूसरे को लड़ा देना, एक दूसरे की शिकायत कर देना, इसके बाद तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, ऐसे लड़ा देना, ये नहीं, ये मत करना, आगे से मत करना। दूसरी बात तो खान पान की, खाना पीना वही जो अपने शरीर को लगे, खाना पीना वो जिससे शरीर पोषित हो, खाना पीना जो आज का हो गया है वो न जाने क्या हो गया है, कुछ का कुछ खाते हैं, जो मन में आए खाते हैं, खूब पका लेते हैं वो खाते हैं, या फिर हम फास्ट फूड खाने लगे हैं, हम बाहर का भोजन खाने लगे हैं। ये जो बाहर का भोजन खाना, गंदा भोजन खाना, जो सड़क पे चल रहे हैं वो वाला भोजन खाना, उसके बजाय घर का माँ का बना हुआ भोजन खाइए, घर में पत्नी का बना हुआ घर का भोजन खाइए आप, और वो भोजन सात्विक हो। अगर आपका अन्न ठीक होगा तो मन भी ठीक होगा, अन्नो वही मन, अन्न ही मन बनाता है, अन्न सही होगा तो मन भी सही हो जाएगा, तो अन्न से मन बनाने की कोशिश करना। तीसरी चीज़ में तो दिखावा नहीं करना, दिखावा करना बहुत ज़्यादा खराब है। सामाजिक बुराई है कि बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्च करना, शादी में पैसा खर्च करना, दिवाली में हम तो खूब सारी फटाके छोड़ेंगे, क्यों भैया क्यों छोड़ोगे, क्यों हमारे पैसे हैं हमारे फटाके हम छोड़ेंगे, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। हम इसलिए कह रहे हैं कि समाज का पैसा है ये, आपका अकेले का नहीं है, आप जो फटाका छोड़ रहे हो उसके बजाय आप अच्छे काम में, कई गरीब बच्चे हैं, कई ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, कई ऐसे लोग हैं जिनको कि पढ़ाई नहीं हो पाती, उनके लिए पैसा निकालो अलग से, रोज़ अपनी गुल्लक में पैसा बचा के रखो, और दिवाली में जो पैसा मिलता है वो भी अच्छे काम में लगाओ। अगर ये करोगे तो क्या होगा कि सामाजिक बुराई एक सबसे ज़्यादा जो है वो है अपव्यय, खर्च, अनाप शनाप खर्च, अपने ऊपर खर्च, दिखावे पे खर्च, कपड़ों पे खर्च, सुगंधी पे खर्च, दुनिया भर की चीज़ों पे खर्च, इसके अलावा अन्य प्रकार की जो बुराइयाँ वो सब मिटती चली जाएंगी। तो पहला काम है देव दक्षिणा। हमारे गायत्री परिवार में हम दक्षिणा पैसे की नहीं लेते, हम बुराइयों की लेते हैं। आप बुराइयाँ छोड़ सकते हो क्या? बुराइयाँ छूट सकती हो तो आप छोड़ने की कोशिश करो, सबसे पहला काम। दूसरा, मित्रों कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको आध्यात्मिकता की ओर उठा ले जाएंगे, उसका उन नियमों में पहला नियम है उपासना, दूसरा है साधना, तीसरा है आराधना। उपासना का मतलब होता है पास बैठना, परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उपासना, उपासन, परमात्मा के साथ बैठने का अभ्यास। तो परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, हम तो जानते भी नहीं। परमात्मा अच्छाइयों का नाम है, सद्गुणों का नाम है, सत्प्रवृत्तियों का नाम है। हम परमात्मा यानी वो जिसने हमको बनाया, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश स्थित, जो सभी भूतों में सभी प्राणियों में स्थित है, उस परमात्मा को अपने अंदर उपस्थित हुआ मानकर हम उसको उसके अनुकूल जीवन जिएंगे। उपासना का मतलब होता है परमात्मा के साथ बैठकर परमात्मा जैसा बन जाना। जब आग के पास बैठ के गर्म बन सकते हो, बर्फ के पास बैठ के ठंडे बन सकते हो, तो फिर भगवान के पास बैठ के भगवान जैसे क्यों नहीं बन सकते? भगवान की अच्छाइयाँ आपके जीवन में क्यों नहीं आती? पुजारी जीवन भर पूजा करता रहता है, सारी उसकी आजीविका उससे चलती है, वो पुजारी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता, बदलाव नहीं आता। वैसे ही वो घर जाके बीड़ी पीता है, वैसे ही वो दुनिया भर की गालियाँ देता है, वैसे रहता है। पुजारी गिने चुने होते हैं, दक्षिणेश्वर के काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस जैसे गिने चुने होते हैं जो काली को प्रसन्न करके काली के साथ भोजन करते हैं।
ऐसे हम बने उपासक। उपासक में आपको तीन माला करनी है गायत्री की। अभी हमने मंत्र बोला था, तुम लोगों को मंत्र आता है, गायत्री मंत्र आता है सबको? सबको आता है मंत्र? एक साथ सब लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ, बोलिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शब्द विज्ञान मंत्र विज्ञान की दृष्टि से इतना सशक्त मंत्र है कि इसको यदि आपने 108 बार किया तो एक माला, 108 बार दूसरी बार किया तो दूसरी माला, 108 बार तीसरी बार किया तीसरी माला, तीन माला करो। एक माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, और तीसरी माला सारे संसार में छाई हुई इस विभीषिकाओं के समष्टिगत जो इतनी नाराजी भगवान की है कुदरत की, वो मिटे इसके लिए तीन माला करना। तीन माला में कितनी देर लगेगी? 15 मिनट लगेंगे, 15-16 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। तो गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते चलो तो 5 मंत्र बोल करके सुबह स्कूल चले जाया करो। धीरे धीरे उस 5 मंत्र को रोज बनाए बोलने की अभ्यास को बनाए रखो। धीरे धीरे क्या होगा, फिर एक माला करने का मन करेगा, फिर 2 माला करने का मन करेगा, 3 माला, धीरे धीरे करके उपासना नियमित हो जाएगी। नियमितता निरंतरता, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी, ये बराबर चला रखना। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपने ऊपर अपना कंट्रोल, किसी और का कंट्रोल नहीं, अपना कंट्रोल। हम खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ साथ हम जरूरत से ज़्यादा खा जाते हैं। हमारा गुरुदेव ने कहा है कि आधा पेट खाओ, एक चौथाई पेट पानी के लिए छोड़ दो, एक चौथाई पेट हवा के लिए छोड़ दो, तो क्या होगा, पचेगा खाना जो है वो, अनावश्यक रूप से फीकेगा नहीं, खाना अनावश्यक रूप से सड़ेगा नहीं, और सड़ करके आपके शरीर को नहीं सड़ाएगा, शरीर को बीमार नहीं बनाएगा। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। खाना खा के बैठे हैं, खाना खा के बैठे हैं, उसके बाद कोई आके खाना ला के दे दे मीठी चीज़, भाई साहब ये जलेबी बनी है खाएंगे क्या? नहीं, हमने तो पूरा खाना खा लिया है। अरे जी एक आध जलेबी चलेगी, 5-6 खा जाते हैं, पूरी थाली खा जाते हैं पूरी पूरी। क्यों खा लेते भाई, जब भूख नहीं लगी तो क्यों खा लेते? बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी नहीं खाना। इसलिए ये जो गड़बड़ है ये हमारे असंयम के कारण है। खान पान पर कंट्रोल, जिसका खान पान पर कंट्रोल होगा उसके सब चीज़ पर कंट्रोल होगा। तो पहला अपनी जिह्वा पर संयम, दूसरा अपने समय पर संयम, समय पर कंट्रोल, समय पर पालन करेंगे, समय का वो एक एक मिनट एक एक क्षण उसका रेगुलर हम फॉलो करेंगे। तीसरा अपने पैसे का कंट्रोल करेंगे, पैसे को अनावश्यक कामों में खर्च नहीं करेंगे। और चौथा विचारों में संयम, विचारों का कंट्रोल, अनावश्यक विचार नहीं आने देंगे, अनावश्यक विचार नहीं आने देंगे, गंदे विचार नहीं आने देंगे। विचारों पर हमारा कंट्रोल रहेगा, गेट पर वो पूछ लेंगे उससे कि गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं तो उसको हम बाहर ही फेंक देंगे, अच्छे विचारों को ले। इसके लिए स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, एक पन्ना पढ़ो भले ही अच्छा, पर पढ़ो, जीवन में उतरेगा आपके काम आएगा। मित्रों ये साधना कहलाती है, जीवन साधना 24 घंटे की होती है। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। समाज सेवा के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। क्या कर सकते हो आप समाज सेवा के लिए? आप इस सृष्टि को सुंदर बनाइए, बगीचे को सुंदर बनाइए, पेड़ लगाइए, जो भूखा है उसको खाना खिलाइए, जो प्यासा है उसको पानी पिलाइए, जो जिसके पास शिक्षा नहीं पहुँची उसको शिक्षा पहुँचाइए, आपको तो मौका मिल गया शिक्षा पढ़ने का। जो यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं आप क्या कर सकते हैं? श्राद्ध पक्ष आ रहा है, पितरों की स्मृति में के लिए वृक्ष लगाइए जगह जगह। सबसे बड़ा काम ये है वृक्ष लगाने का। नहीं सर हमने तो पैसे की व्यवस्था कर रखी है, पंडों को भोजन कराएंगे, पंडों को भोजन कराओगे किसी को नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलने वाला, पितरों तक तो नहीं पहुँचने वाला वो। आप भोजन कराना हो तो उनको कराइए जिनको ज़रूरत है, जिनको जिनके पास भोजन पहुंच नहीं पाता उनको भोजन कराइए। अपना पैसा अनावश्यक खर्च मत करिए, और आप हो सके तो इस संसार की अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करिए। जितने रचनात्मक काम हो सकते हैं उतने रचनात्मक काम करेंगे, सफाई करेंगे, सरोवर की सफाई करेंगे, अपने मंदिरों को साफ रखेंगे, अपना घर साफ रखेंगे, घर के आसपास सफाई रखेंगे, गली साफ रखेंगे ताकि बीमारियाँ ना आने पाएँ। ये मित्रों ये है असली आराधना, समाज सेवा इसको कहते हैं। और समाज सेवा कहते हैं लोगों के विचारों को ऊँचा उठाना, अच्छी किताब पढ़ाएंगे लोगों को, हर एक व्यक्ति को
हम निश्चित रूप से किताब पढ़ाना चालू रखेंगे। इन सब के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तप करने की, एक समयदान एक अंशदान। एक घंटा समय रोज़ दीजिए या दो घंटे समय रोज़ दीजिए, और या सप्ताह में आप चार पाँच घंटे का छः घंटे का समय दीजिए, तो आप देखिए इतना समय देने से आपका सारा काम हो जाएगा। रोज़ नहीं दे सकते, सप्ताह में दे दो, महीने में दे दो, साल भर के अंत में दे दो, एक से एक महीना पूरा दे दो हमको, हम आपका उपयोग कर लेंगे। एक हमने आंदोलन बनाया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया। दिया का मतलब होता है दिया की तरह जलो, दिया की तरह जलो, उसके भागीदार बन जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ। ये एक आग लग जाएगी अंदर तो एक नया काम करने के लिए उमंग पैदा होगी। समाज को नया बनाना है, समाज को जो आज जीर्ण शीर्ण हो गया है इसको ठीक करना है, तो इसी तरह से हो पाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि समय दान देना है, समय देना है, अंशदान भी देना है, अपनी कमाई का एक हिस्सा भी देना है, अपनी कमाई का एक हिस्सा जो भी आपके पास है पैसा, उसका एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई या एक दिन का हिस्सा। अगर आपको 10 रुपये मिलते हैं, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, 10 रुपये मिलते हैं साल भर महीने भर के, आपको उसके लिए जेब खर्च के लिए, तो उसमें से एक हिस्सा निकाल लीजिए और उसको उससे अच्छी किताबें पढ़िए और पढ़ाइए, लोगों को पढ़ाइए। आप देखिए देखते देखते आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा, आप अच्छे बच्चों में गिने जाएंगे, और आप देखते देखते आपके अंदर पढ़ाई के लिए लगाव पैदा हो जाएगा, जो पढ़ोगे याद रहेगा, और उसके बाद बाकी चीज़ें करोगे। या गायत्री मंत्र की दीक्षा के लिए तैयार हो जाएं, कमर सीधी कर लें, जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग ये आरंभ कर देंगे। और जितने भी लोग दीक्षा लेने चाहते थे सब बैठे हैं, सब इधर ही मुँह करके बैठे हैं, इसी तरफ बैठे हैं, यज्ञ कुंड की तरफ मुँह न करके बैठे हैं। अभी हम गुरुदेव की ऊर्जा को इनवाइट करते हैं और माता जी की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं, तो जिन्होंने पर्दा कर रखा है उनसे अनुरोध है कि पर्दा थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए तो हटा दो कम से कम। किससे पर्दा कर रहा है? भगवान से पर्दा कर रखा है, किससे पर्दा कर रहा है? हमारे गुरुदेव माता जी से पर्दा कर रखा है, थोड़ी देर के लिए हटा लो कम से कम। तुमको हमारी जो हम शक्ति देंगे उस शक्ति को ले तो सकोगे, नहीं तो क्या होगा कि हमारे ऊपर तो पर्दा पड़ा हुआ था, हमको दुमाने में था। घूंघट छोड़ो, पर्दा प्रथा छोड़ो, 21वीं सदी आ गई, 2015 आ गया, अब कब तक घूंघट चलाओगे? राजस्थान में घूंघट घूंघट घूंघट, जहाँ देखो घूंघट घूंघट। अच्छा खासा जिसकी आँखें बुरी हो ना उसको घूंघट बना दो, जो तुमको बुरी आँख से देखता है उसके पर्दा लगा दो उसको, उसमें तुम्हारी मदद हम करेंगे, गायत्री परिवार के लोग करेंगे। पर तुम कम से कम पर्दा मत करो, नहीं तो हम तो बड़ों को पर्दा करते हैं, हमें बड़े जेठ जी बैठे हैं पास में, ससुर जी बैठे हैं पास में, हद होती है। आध्यात्मिक कर्म है उसके लिए बैठे हो तो अभी पर्दा हटा के बैठो, पर्दा ऊपर कर लो, आराम से बैठो, चलो दोनों हाथ ऐसे करो और दोनों अंगूठों को इस तरह से रखो, छाती से लगा लो, छाती से लगा के बाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, दाएं अंगूठे पर वंदनीय माता जी को देखने का भाव करिए और ये प्रार्थना करिए कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। आज हमारे अंदर बीज डाला जा रहा है, हम उसको खाद पानी देते रहेंगे और हमेशा नियमित रूप से हम उसका पालन पोषण करेंगे। ऐसा अगर आपके मन में है तो आप इस तरह से गायत्री मंत्र को धारण करिए। बोलिए हमारे साथ साथ बोलिए, ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत्
सवितुर सवितुर वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो योनः योनः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ऐसे निगाह रखेंगे अपनी, अभी हटाएंगे नहीं वहाँ से जब तक आपके ऊपर जल नहीं छिड़क दिया जाए। आपके ऊपर जल के अभिमंत्रित जल के छींटे पड़ेंगे, उसके बाद हटाना। स्वयंसेविका बहने और भाई खड़े हो जाएं जल कलश लेकर, कुछ भाई भी खड़े हो जाएं इधर से, स्वयंसेवक भाई भाई खड़े हो जाएं, जो दीक्षा ले चुके हैं वो कार्यकर्ता भाई खड़े हो जाएं, पहले से दीक्षा लिए हुए हैं, जल कलश ले लें। सब भाई बहनों के ऊपर जल का सिंचन करें मंत्र के साथ, शीघ्रता के साथ। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा जनः। जिन भाई बहनों ने दीक्षा ली है, अब वो भाई बहन इस प्रकार से कंधे के बराबर दोनों हाथ करें जैसे हमने कर रखे हैं। देखें आप कंधे के बराबर दोनों हाथों को करें, ये आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी साधना स्वाध्याय संयम सेवा समयदान अंशदान ये 6 नियम बताए हैं, बड़े ही सामान्य सरल सहज हैं। बच्चे इनमें से जितना पालन कर सकते हैं करेंगे, जितना नहीं पालन कर सकते हैं आगे के लिए उसको अपने मन में ठान कर रखें कि जिस समय हम कमाने लगेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अंशदान करेंगे, हम जब जीवन स्वावलंबी हो जाएंगे तो अधिक से अधिक समयदान करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप बड़े हो जाएंगे समर्थ हो जाएंगे तो और इन नियमों को उतना ही निष्ठा के साथ पालन करना आरम्भ कर देंगे। तो यहाँ हम जो क्रम कर रहे हैं वो है आत्मसमर्पण की प्रक्रिया। हम मंत्र बोलेंगे, आप भाई बहन दोहराएंगे मंत्र को। बोलिए सभी भाई बहन, ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। प्रणाम कीजिए। ओम ओम अग्नये नमः अग्नये नमः। फिर हाथ फैलाइए। ओम ओम सूर्य व्रतपते सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः। ओम ओम चंद्रव्रतपते चंद्रव्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। प्रणाम करें। ओम चंद्राय नमः ओम चंद्राय नमः। ओम ओम वायो व्रतपते वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। ओम ओम वाय वे नमः वायवे नमः। ओम ओम व्रतानां व्रतपते व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः। बस हाथ नीचे कर लीजिए। इस प्रकार से आपने व्रत लिया है कि हम इन सभी शक्तियों को साक्षी मान करके इन अनुशासनों को जितना हमसे बन पड़ेगा बच्चों के लिए विशेषकर उतना पूरा करेंगे।